जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 6 जुलाई 2019 दिन शनिवार आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:10 तक रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 11:59 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:04 से लेकर 10:45 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका भाग्य जोर मार रहा है और आज आप जिस भी कार्य में भाग लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और शुरू से लेकर अंत तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज यदि कोचिंग सेंटर में आपका कोई टेस्ट है तो आप उसमें भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे जिससे आपको अपनी तैयारी का भी भली भांति आइडिया लग जाएगा और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति आज चुनाव में अपनी दावेदारी कायम करने में सफल होंगे और आने वाले चुनावों में किसी बड़ी पार्टी का टिकट आपको मिल सकता है। आज आपकी वजह से आपके पिताजी को भी फायदा होने वाला है और उनका भाग्य भी आज आपकी प्रेजेंस में चमक उठेगा और उन्हें अपने व्यवसाय में आमदनियों के मुकाबले ज्यादा अधिक फायदा होगा। जो लोग विदेशों में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आज इस दिशा में आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपको शुभ फल देगा, परंतु किसी बात को लेकर आज आप उदासीन हो सकते हैं जिससे आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। अपनी असफलताओं को याद करने के बजाय यदि आज आप उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए जतन करते हैं तो उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज कौए को दाना पानी डालना भी आपके लिए शुभ होगा। मेष राशि वालों, अगर आपके प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रूबी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इससे आपकी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएगी। आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा और सुबह उठकर ही आप अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी और मुनाफा भी अधिक होगा। तेल के व्यापारियों की सेल्स में भी आज बढ़ोतरी होगी, परंतु आज आपके पिताजी की तबीयत खराब होने से आपकी मानसिक चिंताएं और भागदौड़ बढ़ सकती है। आज आपकी अपने भाइयों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और आपके संबंध आज खराब हो सकते हैं। आज रात को आपको बुरे सपने आने से आपकी नींद भी भंग हो सकती है
इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सोने से पूर्व मेडिटेशन अवश्य करें। इससे आपका मन शांत होगा और चैन की नींद लेने में आपको आसानी होगी। आज आप मांस और मदिरा का सेवन करने से परहेज करें। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर सूर्य देवता को मीठा अर्घ प्रदान करें। वृषभ राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके बच्चे आपको उन पर गर्व करने का मौका प्रदान करेंगे और आप उनके उज्जवल भविष्य को देखकर निश्चिंत हो जाएंगे। आज नया वाहन खरीदने के लिए आपका दिन उत्तम है। आज लोग आपके तेज की ओर आकर्षित होंगे और आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिजनेस या पर्सनल लेवल पर इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। आज आपके सगे संबंधी आपकी सलाह लेने आपके पास आएंगे और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर उन्हें सही एडवाइस दे पाएंगे, जिसके लिए वे हमेशा आपके आभारी रहेंगे। यदि आपका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा था, तो आज दूसरी पार्टी आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकती है। उनके निमंत्रण को आप स्वीकार करें और उनके ऑफर पर अपने लॉयर से मशवरा लें। हो सकता है आपका विवाद आज सुलझ जाए और आप कानूनी झंझटों से आजाद हो जाएं। आज आपको प्रातः काल उठकर पवित्र होकर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। आज काली गाय की सेवा करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों, आपको अपने व्यापार में अपने बिजनेस में आ रही किसी भी अड़चनों को दूर करने के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मोटिवेट होंगे और इस दिशा में कोई भी कदम उठाना आज आपके लिए शुभ होगा। आज छुट्टी का दिन होने का फायदा उठाकर आपको इससे संबंध में प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है और उसमें आगे क्या स्कोप है और कैसे आप एक अच्छी जगह पर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज आपकी अपने छोटे भाई के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपके बीच आज मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपके मामा जी के घर से आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहेगा और किसी भी कार्य में आज आपकी रुचि नहीं रहेगी। विशेष तौर पर आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है, जिससे आपको बार बार बिस्तर पकड़ने की नौबत पड़ जाती है, तो आज आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहेगा और आप अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाएंगे। आज आप लेदर शूज या सैंडल्स का प्रयोग ना करें। कर्क राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा
अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। हृदय के मरीजों को आज विशेष तौर पर अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आज आपको सीने में तकलीफ महसूस हो सकती है। अपनी दवाई टाइम से लें और खाने पीने के मामले में कंट्रोल बनाकर रखें। आज आप अपने बच्चों को सही समय और सही जगह पर इन्वेस्ट कैसे करते हैं इसका ज्ञान दें। आपके बच्चे जल्द ही बड़े हो जाएंगे और आपके एक्सपीरियंसेस ही उन्हें जीवन भर सही चॉइस लेने में सहायक सिद्ध होंगे। आज जुआ और सट्टा बाजार में पैसे लगाने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन चीजों से परहेज करें। आज आपकी सहायता से आपकी बहन के अटके हुए काम बन सकते हैं। आज आपकी बुआ के घर से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज यदि आप किसी का भी बुरा सोचते हैं तो उल्टा आप ही बर्बाद हो सकते हैं। आज आप अपनी आईज में स्ट्रेन भी महसूस कर सकते हैं। आज अपने किसी भी कार्य की शुरुआत मीठा खाने के पश्चात ही करें, इससे आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज काली गाय को चारा खिलाना आपके व्यापार के लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही पहननी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज छुट्टी का दिन होने के कारण आपका मन अपने घर को डेकोरेट करने का करेगा और ये आज आपके लिए शुभ भी होगा क्योंकि इससे शनि देव की शुभ दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आज आपको अपने सगे संबंधियों का भरपूर प्यार प्राप्त होगा जिससे आज आप अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली महसूस करेंगे। यदि आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। MBBS करने की आकांक्षा रखने वाले छात्रों का भी आज मनोबल बढ़ेगा और अपने आने वाले एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए आज आप जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। आज आपके संबंध अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी मजबूत होंगे और आपका आपसी प्यार बढ़ेगा। परंतु आज आपको क्रोध अधिक आ सकता है, इसलिए आज आप मेडिटेशन का सहारा लेकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। आज आप दूध और दही दान ना करें। कन्या राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से
या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है। आज रक्तचाप बढ़ने से आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है। आज आपके शत्रु आपसे डरकर भागेंगे, क्योंकि उनकी हर योजना को आप पहले से भांप कर विफल कर देंगे और उल्टा उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आज आपकी मुलाकात भी किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से हो सकती है और उनसे अच्छे संबंध बनाने से आगे चलकर आपके करियर में आपको फायदा हो सकता है। आज तेल के व्यापारियों और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्तियों को मुनाफा अधिक होगा। यदि आप आंखों के डॉक्टर हैं तो आज आपको आम दिनों के मुकाबले अधिक पेशेंट्स मिलने आएंगे। आज आपके छोटे भाई को चोट फाट लगने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए उनका ध्यान रखें। आज काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज आपको शाम के समय शनि मंदिर जाकर शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति दिल्ली NCR में रहते हैं, वो हमारे यहाँ आकर भी शनि देव जी को धूप दीप अर्पण कर सकते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मांग सकते हैं। तुला राशि वालों, अगर आपके प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तगणों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आई हूँ। हमारे शनि पीठ मंदिर से हर महीने आप सभी को अब एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। जितने भी YouTube पर हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी को जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को एक फ्री गिफ्ट यानी कि तोहफा हमारे शनि मंदिर की ओर से दिया जाएगा, जो कि आपके घर तक हम आपको डिलीवर करेंगे बाई पोस्ट या कुरियर के थ्रू। इस फ्री गिफ्ट को पाने के लिए आपने केवल इतना करना है, जो वीडियोस आप हमारे देखते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा कोड दिया जाएगा, जैसे कि 444। इस कोड को आपने नोट करना है और हमारी 12 वीडियोस में जो अलग अलग कोड आएंगे, उस कोड को आप नोट करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पते के साथ मैसेज करें, ताकि हम फ्री गिफ्ट आपके घर तक आपको पहुंचा दें। हर महीने हमारी वीडियोस में 30 अलग अलग कोडों को दिया जाएगा, जिसमें से केवल 12 कोड आपने हमें देने हैं। जैसे ही आपके द्वारा दिए गए 12 कोड हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके एड्रेस के साथ में मिलेंगे, आपका फ्री गिफ्ट आपको भेज दिया जाएगा। 15 जुलाई 2019 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो हमें 12 अलग अलग कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, उन सभी को हमारे शनि मंदिर द्वारा नवग्रह शांति कवच आपके घर तक आपको भेजा जाएगा। इस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए आपने कोई भी पैसा नहीं देना है। पोस्ट का चार्ज, कुरियर का चार्ज, पोस्ट ऑफिस का चार्ज, वो सभी हमारी तरफ से दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और आखिर तक देखते रहें, कब आपको वो कोड मिले उस 3 डिजिट के कोड को आप नोट करें और हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। ध्यान रखें,
15 जुलाई 2019 से पहले आपने 12 अलग अलग कोड कलेक्ट करके हमें एक साथ अपने पूरे पते और पिन कोड नंबर के साथ हमारे किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ताकि हम आपको आपका फ्री गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकें। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अचानक धन प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आज आप अपने व्यवसाय के लिए बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे जिससे आप अपने खर्चों को कम कर पाने में सफल होंगे। आज धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और आज छुट्टी का दिन होने के कारण आपको अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आज आपको हमेशा सच का साथ देने वाले स्वभाव के कारण समाज में आपका मान सम्मान आज बढ़ेगा। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। आज हृदय के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है और अपने खान पान पर संयम बनाने की जरूरत है। आज खर्चा अधिक होने से भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आज आपको व्रत रखना चाहिए। आज सूर्य देवता को प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर मीठा अर्घ प्रदान करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं तो आपको अपने भाग्य को प्रबलता प्रदान करने के लिए एक मोती की अंगूठी जो कि मंत्र सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, उसको अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज कला की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और गायन वादन में रुचि रखने वाले व्यक्ति प्रोफेशनल सिंगिंग को एज अ करियर परसू करने के लिए मोटिवेट होंगे। यदि आपका अपना व्यवसाय है तो आज आप पर धन की वर्षा होगी और कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आपके हाथ लग सकती है। विशेष तौर पर प्रॉपर्टी डीलर्स की आज कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है जिससे आज उनकी चांदी हो जाएगी। टूरिस्ट टैक्सीज के बिजनेस में कार्यरत लोगों को भी आज कस्टमर्स अधिक मिलेंगे। परंतु आज छात्रों के लिए दिन शुभ नहीं है और आज किसी न किसी कारणवश उनके विद्या अध्ययन में खलल पड़ा रहेगा और आज अपने टारगेट से वे पिछड़ सकते हैं। आज आपको कोई नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आज आपको क्रोध अधिक आ सकता है और द्वेष में आकर आज आपके हाथों कुछ ऐसा हो सकता है जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी होगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और इसके लिए मेडिटेशन का सहारा भी आप ले सकते हैं। आज आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट ना करें अन्यथा आपको दूसरों की नजर लग सकती है। आज आपको तेल भी दान नहीं करना चाहिए। धनु राशि वालों, अपने व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी महामंत्र जिसका प्रयोग करने से आज आप माता मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से एक सुख संपत्ति से परिपूर्ण सभी सुख सुविधाओं से लैस एक जीवन व्यापन करने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता मां लक्ष्मी जी का महामंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम मां लक्ष्मी नमः। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम मां लक्ष्मी नमः। यदि आज आप इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं
इसका जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर माता मां लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज स्कूल में स्टूडेंट्स को अपनी इंटेलिजेंस और एनालिटिकल स्किल्स की वजह से अध्यापकों से प्रशंसा मिल सकती है। आज आपके बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता आपका सर गर्व से ऊंचा कर देगी। आज आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आज आप सभी तनाव से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे। यदि युवक बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। आज आपको अवश्य ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज रात को सोते वक्त आपका मन बेचैन रह सकता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सोने से पूर्व मेडिटेशन अवश्य करें। इससे आप एक चैन की नींद प्राप्त करने में सफल होंगे। आज हार्ट पेशेंट्स को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज आप अपनी दवाई समय से लें, अन्यथा आप अपने परिवार की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। आज चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में गले में धारण करने से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। आज केसर का तिलक माथे पर लगाना भी आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आज का कोड है 5111। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। लोहे की मशीनरी के विक्रेताओं और मैन्युफैक्चरर्स को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आप लाइफ इंश्योरेंसेस और रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे। आज आपको अपने पितृपक्ष की ओर से भी लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके ससुराल पक्ष के आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे। आज आपके भाई बहनों की विदेश जाने के लिए उनको वीजा मिल सकता है। आज आप दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी देने से परहेज करें क्योंकि इससे आज आपकी ही बदनामी हो सकती है। आज कच्चा दूध दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज आप मंदिर से प्रसाद ग्रहण करने से भी परहेज करें, परंतु छात्र आज डिस्ट्रैक्शन के कारण अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होने से आपकी एकाग्रता आज भंग हो सकती है, जिससे आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आज लालच करना आपके लिए भारी पड़ सकता है और इससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। आज आप किसी भी हालत में मांस और मदिरा का सेवन न करें। कुंभ राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप चुस्ती फुर्ती से अपने सभी कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, जिससे आपके पेंडिंग काम भी आज निपट जाएंगे। आज समाज सेवकों को सरकार की ओर से अपने कार्यों के लिए कोई मान सम्मान या पुरस्कार भी मिल सकता है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के कारण आज आपको छुट्टी का दिन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और करियर प्लानिंग करनी चाहिए। आप इस बात पर विचार करें कि आप अपने आप को आज से 10 साल के बाद कहां पर देखना चाहते हैं और वहां पर पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। और यदि
आप कहीं पर जॉब करते हैं तो क्या आपकी वहीं पर करियर ग्रोथ संभव है या आपको जॉब स्विच करने की जरूरत है। आज आपको क्रोध अधिक आ सकता है जिससे आप अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। सर के झड़ते बालों को देखकर आज आपको चिंता भी हो सकती है। यदि आपकी शादी की बात कहीं पर चल रही थी तो आज उसमें अड़चने भी आ सकती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी में अनावश्यक विलंब हो रहा है और आपकी शादी की उम्र गुजरती जा रही है तो आज आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणि द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके शादी के योग मजबूत होंगे और जल्द से जल्द आपका विवाह तय हो जाएगा। मीन राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ।